हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। रुको जरा, इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो समझना। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, क्या लक्षण होता है, और साथ साथ में उसका ट्रीटमेंट, आप क्या उसको दवाई दे सकते हो। बहुत सारी बीमारियाँ, मैं नहीं कहूँगा एक बीमारियाँ, मैं बहुत सारी बीमारियाँ और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट, कितनी मेडिसिन कितनी मात्रा में देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन से एंटीबायोटिक देनी है, टेबलेट देनी है या इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन फॉर्म में देना है, जो भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस करूँगा एक एक करके। बहुत सारी बीमारी लेके आया हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझिएगा। मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाता हूँ, जैसे कि आपको पता है। सबसे पहले जो हमारी डिसीज आती है वो होती है निमोनिया। देखो, मैं डिस्कस करूंगा डिसीज का नाम क्या है, यानी बीमारी का क्या नाम होता है, बैक्टीरिया, वो बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसका लक्षण यहाँ पे क्या क्या दिखाई देने को मिल सकता है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया बात करेंगे, निमोनिया जो डिसीज़ होती है, जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है गाइस निमोनिया। निमोनिया जो बीमारी होती है, ये निमोनिया बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है जिसे बोलते हैं न्यूमोकोकस, ठीक है। न्यूमोकोकस लंग्स पे अटैक करता है, हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है ये सिंपली, ठीक है, फेफड़ों पे अटैक करता है और हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में हमें समस्या होना, जैसे कि चेस्ट पेन, छाती में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दर्द रहना, कफ एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाना, फीवर यानी कि बुखार आपको देखने को मिलना, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर उसमें आता है, वेट लॉस, अचानक वजन का कम हो जाना, ठीक है, सडनली 5-6 किलो वजन कम हो गया, ठीक है, तब आपको निमोनिया के ये कुछ लक्षण होते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, नाम है बीमारी का निमोनिया और वो न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है न्यूमोकोकाई, उसकी वजह से होती है। लक्षण ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट डिफिकल्टी, इस तरह से आपको डायग्राम भी आप दे सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, वाटर फॉर्मेशन होने लगती है, निमोनिया, ठीक है, छाती में पानी का भर जाना, निमोनिया में होता है छाती में पानी भरने लगता है। यहाँ पे सिंपली आपको लंग्स के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है, हम एंटीबायोटिक देते हैं। यदि निमोनिया अगर हुआ है किसी पेशेंट को तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी, ठीक है, सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन, ठीक है, सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, ये आपको वेलकेफ्ट के नाम से मिल जाएगा इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है, जो ड्रग्स पाया जाता है, उसका नाम होता है सेफ्ट्रिएक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन होता है, यूएसपी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है बीडी दिया जाता है, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन नहीं, जब नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं देखने को मिला है, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तब बीडी, यानी कि दिन में हम इस इंजेक्शन को 2 बार दे सकते हैं, ये 1 ग्राम का, ठीक है, 1 ग्राम का, यहाँ पे दिख रहा होगा इसका कितने पाया जाता है, 1 ग्राम के समथिंग आता है ये, 1.5 ग्राम में भी आता है और 2 ग्राम में भी अवेलेबल रहता है, बट मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, जब नॉर्मल इन्फेक्शन हो तब उसको 1 ग्राम बीडी दे सकते हैं। और यदि कोई ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है कोई पेशेंट में, तो हम उनको सीवियर इन्फेक्शन में TDS यानी कि दिन में 3 बार 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 3 बार दे सकते हैं। यदि हमको 3 बार नहीं देना है तो फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं डॉक्टर, उसमें 1.5 ग्राम का दे देते हैं, यानी कि 1500 mg का इंजेक्शन दे देते हैं दिन में 2 बार, बीडी कर देते हैं उसको, दिन में 2 बार देते थे ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर। बात वही है गाइज, या तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या फिर उसको TDS दे देते हैं। तो याद रखना, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन होता है जो कि इन्फेक्शन निमोनिया के लिए सबसे कारगर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है, देखो हम एक तो ये दे सकते हैं निमोनिया के लिए, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा एक अमिकासिन भी आता है, अमिकासिन भी एक एंटीबायोटिक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अमिकासिन सल्फेट, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है लिखा हुआ है, आप लोग दे सकते हो अमिकासिन सल्फेट। ये अमिकासिन सल्फेट भी निमोनिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है। अमिकासिन दिन में बीडी, दिन में 2 बार ही दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से हम लोग, ये लिखा हुआ है फ्रॉम फॉर IM मतलब इंट्रामस्कुलर, और IV यानी कि इंट्रावेनस, दोनों तरह से दे सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा होता गाइस, ठीक है, 2 ml की बाइल आती है, लिखा हुआ है 2 ml, ठीक है, और
500 mg के अंदर कंपोजिशन होता है, 2 ml में 500 mg लिखा हुआ 500, ठीक है, 500 mg का इंजेक्शन ये होता है, ठीक है, 2 ml की वाइल होती है ये, ठीक है, IMB यूज़ किया जा सकता है, IV भी दिया जा सकता है, अमिकासिन ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है निमोनिया में। आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो डिसीज़ आती है, अभी हमने एक डिसीज़ एक बीमारी के बारे में बात करा, अब मैं दूसरी बीमारी के बारे में बात करूँगा फिर उसके इलाज के बारे में। जो दूसरी डिसीज़ आती है गाइज वो होती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है कौन से बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये भी लंग्स रिलेटेड डिसीज़ होती है, फेफड़ों से रिलेटेड ही समस्या होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। टीबी सब लोग जानते हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टीबी ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, कफ एंड कोल्ड, आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आने लगती है, फीवर यानी कि आपको बुखार भी होने लगता है, वेट लॉस, वजन तो कम होता ही है टीबी में, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा टीबी भी दो तरह से होती है, अच्छा, एक होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का अर्थ हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारे लंग्स में हो, जो हमारे फेफड़ों में हो, उसको हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे फेफड़ों के बाहर हो उसे एक्स्ट्रा, फेफड़ों के बाहर कैसे, जैसे बाहर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती है, गले में गांठें बन जाती है लोगों को, वो टीबी के बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है, ठीक है। तो एक तो लंग्स में भी अटैक करता है, दो तरह के टीबी होते हैं, एक लंग्स में होने वाला टीबी और एक लंग्स के बाहर होने वाला टीबी, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो ये है। अब इसका इलाज के बारे में समझते हैं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग। इसके ट्रीटमेंट में रिफाम्पसिन टेबलेट, एक टेबलेट आती है रिफाम्पसिन, ये रिफाम्पसिन टेबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये रिफाम्पसिन आर्सिन 300 mg के नाम से मिलेगी आपको, 300 mg की भी आती है और ज़्यादा। इसको कभी भी डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है, बिना आपके सजेशन से कभी भी कोई भी मेडिसिन लेना ही नहीं है, जब तक आप डॉक्टर से डिस्कस ना कर लो उसके लिए। ये केवल ये वीडियो जो है केवल फार्मेकोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए है, उनके नॉलेज को जो इंक्रीज करने के लिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। रिफाम्पसिन जो टैबलेट होती है डोज ओडी यानी कि दिन में एक बार इसको देना होता है, खाना खाने के बाद इसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, डॉक्टर जैसे बोले वैसे आपको टैबलेट लेना होगी, ठीक है। रिफाम्पसिन कैप्सूल्स होते हैं IP का मतलब होता है इंडियन फार्मेकोपिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंडियन फार्मेकोपिया ल्यूपिन के नाम से मार्केट में मिलती है। रिफाम्पसिन कैप्सूल इसके अंदर होता है, दिन में एक ही बार लेना होती है ओडी, और इसका जो डोज होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है कितना कितना डोज लेना है। तो प्लीज़ इस मेडिसिन को डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके सजेशन पे, क्योंकि देखो जो डोज रहता है ना गाइज वो पेशेंट के कंडीशन पे निर्भर करता है, उसको कितना इन्फेक्शन है, टीबी के साथ में और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बुखार तो नहीं आ रही है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डोज फिक्स किया जाता है। मैं किसी का डोज नहीं बता सकता क्योंकि हर एक पेशेंट का अलग अलग डोज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। रिफाम्पसिन कैप्सूल देते हैं, बस इतना याद रखो इसके अंदर रिफाम्पसिन पाया जाता है, IP इंडियन फार्मेकोपिया के द्वारा बनता है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, इसमें आइसोनाइज्ड टैबलेट होती है। टीबी की बीमारी के लिए कुछ और ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे कि आइसोनाइज्ड टैबलेट, ये भी दिन में ओडी एक ही बार दिया जाता है। आइसोनाइज्ड टैबलेट IV 100 mg की आती है, इससे ज़्यादा mg की भी मिलती है। डोज निर्भर करता है डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर कितना सजेस्ट कर रहा है, मरीज के कितना इन्फेक्शन है, मरीज की क्या अवस्था है, उस अवस्था उस कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट फिक्स करता है। मैं बता रहा हूँ 100 mg की टैबलेट ओडी देते हैं वैसे डॉक्टर, बाकी जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वेट के अकॉर्डिंग, मरीज का कितना वजन है, बहुत सारी चीजें देखो क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग, आइसोनाइज्ड टेबलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे पढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज, अब जो टीबी की बीमारी के लिए मैं दो टैबलेट आपको बताई, ठीक है, रिफाम्पसिन और आइसोनाइज्ड टैबलेट। अब जो हमारी नेक्स्ट बीमारी, जो नेक्स्ट जो डिसीज होती है वो होती है टाइफॉइड फीवर, यानी कि टाइफॉइड फीवर आप लोग सब जानते हो, जिसे महाराज आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो। टाइफॉइड फीवर जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी।
ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफोइडल बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफोइड डिसीज को कॉज करता है। इसमें क्या क्या आपको लक्षण दिखेंगे? हाई ग्रेड फीवर, सबसे पहला अत्यधिक बुखार आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को फीवर आता है टाइफॉइड की कंडीशन में। डायरिया, दस्त भी लगते हैं, ये भी सिम्टम कुछ पेशेंट में देखा गया है, कुछ पेशेंट में नहीं देखा गया है। बट जो टाइफॉइड होता है उसमें कभी दस्त भी लग जाते हैं। वोमिटिंग एक कॉमन सिम्टम है गाइस, देखो जी मचलाना, उल्टियाँ आना, ठीक है जब टैबलेट लेते हो तब भी आपको ऐसा लगता है, बट जो टाइफॉइड रहता है उसमें आप कुछ खा नहीं पाते हो, उसमें आपको कुछ खाता नहीं, खिलता नहीं है, आपका गला ब्लॉक ब्लॉक टाइप का लगता है, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता, अजीब सी स्मेल आती है, ये जो कॉमन सिम्टम की मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइफॉइड में। बॉडी पेन, यानी कि आपके पूरे शरीर में भी इससे दर्द रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट, अब देखो एमोक्सिसिलिन जो होती है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन, मैं मानता हूँ कि टाइफोइडल फीवर में जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है वो होती है एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती है, हैवी ट्रीटमेंट भी रहता है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे हर एक बीमारी के जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के अकॉर्डिंग पेशेंट को देखकर सजेस्ट किया जाता है। ये वीडियो केवल फार्माकोलॉजिकल स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, चीज ध्यान रखना। डोज कितनी मात्रा में देना है, बीडी दिन में आपको 2 बार दिया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर आपको इसका ही फॉर्म आता है, इंजेक्शन फॉर्म, ठीक है। एमोक्सिसिलिन के नाम से इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है जब ज़्यादा टाइफॉइड हो जाता है, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, बीडी दिन में 2 बार। टीडीएस भी दिया जाता है पेशेंट की कंडीशन और उसके बीमारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डोज बीडी देना है आपको, बीडी लोगे, एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल आपको इस तरह के मिलते हैं, ठीक है, 500 mg में अवेलेबल रहते हैं। एमोक्सिसिलिन नाम से इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे कि एकीमोक्स के नाम से ये बताया गया है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी आ सकती है, बट उसमें आपको मेन कंपोजिशन क्या देखना है, एमोक्सिसिलिन जो कंटेन होता है वो एमोक्सिसिलिन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। इसका जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है गाइस, मोनोसेफ जो होता है, आप जो मोनोसेफ के नाम से तो आपको मार्केट में बहुत प्रचलित ब्रांड है, ये मोनोसेफ के नाम से मिलता है। 1 ग्राम की बाइल आती है, आईवी और आईएम दोनों यूज़ किया जाता है, आईवी ही देना चाहिए पर, ठीक है। मोनोसेफ 1 ग्राम में भी आता है, 1.5 ग्राम में भी मोनोसेफ। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन होता है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है। सेफ्ट्रियाक्सोन जो इंजेक्शन होता है, सेफ्ट्रियाक्सोन इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है, ड्रग होता है, कंपोजिशन होता है, वो होता है सेफ्ट्रियाक्सोन। और मोनोसेफ के नाम से सबसे प्रचलित ब्रांड होती है, मोनोसेफ के नाम से मार्केट में बिकता है। बीडी दिन में 2 बार इसको मरीज को दिया जाता है, पर मरीज के बीमारी अकॉर्डिंग ये आगे पीछे हो सकता है, कितना डोज देना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मोनोसेफ आप किस बीमारी में दोगे, जब आपको टाइफॉइड हो जाएगा तब इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और आगे बढ़ता हूं मैं, आती है क्लेवम, ये एमोक्सिलिन से एडिशनल चीज है। क्लेवम क्या होता है, देखो क्लेवम में 2 चीज़ें, एक तो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेट, ठीक है। जो क्लेवलेट होता है, जो इंजेक्शन 2 कंपोजिशन से मिलकर बना है, एमोक्सिसिलिन तो होता है पर पोटेशियम क्लेवलेट होता है, दोनों चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्लेवम। क्लेवम सबसे फेमस ब्रांड है, 1.2 ग्राम के नाम से, 1.2 ग्राम के कंपोजिशन में आपको मिलता है, यानी कि 1200 mg के समथिंग होता है, ठीक है। इंट्रावीनस ही यूज़ किया जाता है इसको, आईवी ही देना रहता है, वीन यानी कि शिराओं के अंदर ही लगाया जाता है इंजेक्शन, दिन में 2 बार इसको दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है ट्रीटमेंट। इसका उपयोग और भी, जैसे कि कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इफेक्टिव मेडिसिन है टाइफॉइडल फीवर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रीटमेंट आप लोग इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी आती है यूटीआई, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायरिया, यानी कि दस्त, दोनों यूटीआई भी हो गया और डायरिया भी साथ में हो गया। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये दोनों बीमारी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कर सकता है और डायरिया भी कर सकता है ये, ठीक है। यूटीआई और डायरिया दोनों हो सकता है, किसकी वजह से, इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि 2 तरह की बीमारी कॉज करता है। इकोलाई ज़्यादातर पानी से फैलता है, वाटर के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया मिलता है, इसीलिए हमेशा हमें बॉयल वाटर को ही यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यूटीआई और डायरिया दोनों बीमारियां हो सकती है आपकी इकोलाई की वजह से। उसके बाद इसमें जो लक्षण है वो आपको क्या क्या दिखाएंगे, पेनफुल यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा बाथरूम में दर्द
होना, जब यूरिन करेंगे टॉयलेट करते समय बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा, जलन आपको होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन यानी कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, ठीक है। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है आपको, बॉडी पेन, शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दर्द लग सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये कॉमन सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ इकोलाई के, ठीक है, जो वोमिटिंग हो गया, ठीक है। ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आ पाती है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है आपके पेट में, जो आपका यूरिनरी ब्लेडर रहता है वहाँ पे आपको दर्द रहता है, ये लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगती है यदि सीवियर इन्फेक्शन हो गया तब, ठीक है। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते जरा। देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपको यूटीआई हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट इकोलाई की वजह से, तब इस पर फोस्फो ड्रग्स जो होती है बहुत इफेक्टिव होती है। फोस्फोमाइसिन पाउडर, एक पाउडर आता है गाइस फोस्फोमाइसिन पाउडर के नाम से, ठीक है। ये फोस्फोमाइसिन जो पाउडर होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है इससे। एक बार इसको पानी में डिसॉल्व करके आप लोगे, आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा इससे, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फोस्फोमाइसिन, ठीक है। फोस्फोमाइसिन के नाम से मार्केट में मिलती है, फोस्फोमाइसिन इसके अंदर कंपोनेंट होता है। आप तो कंपोनेंट ध्यान रखो, मार्केट में ये चाहे वो किसी भी नाम से मिले, आपको फोस्फोसिन के नाम से मिले या फिर और अदर ब्रांड के नाम से मिले, बट उसमें जो कंपोजिशन होता है वो फोस्फोमाइसिन ही होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फोस्फोमाइसिन का, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आता है सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स में होता है सल्फोमेथाक्सोजोल, ठीक है। सल्फोमेथाक्सोजोल जो होता है, ये देख सकते हो कंपोजिशन, सल्फोमेथाक्सोजोल जो होता है ये हम लोग देते हैं पेशेंट को, टेबलेट फॉर्म में आती है, दिन में दो बार दी जाती है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है, बीडी दिया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सल्फोमेथाक्सोजोल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है ऑफ्लोक्सेसिन। ऑफ्लोक्सेसिन हम लोग देते हैं डायरिया में, ठीक है। ऑफ्लोक्सेसिन जो टैबलेट होती है ये डायरिया में O2 के नाम से मार्केट में मिल जाती है, और भी बहुत सारे नाम से मिलती है। O2 याद रखना, O2 सबसे फेमस ब्रांड होती है ऑफ्लोक्सेसिन के, ऑफ्लोक्सेसिन एंड ओनिडाजोल, ठीक है। दोनों कंपोजिशन इसके अंदर है, एक ऑफ्लोक्सेसिन भी है, ओनिडाजोल भी है, O2। जब इकोलाई की वजह से यदि डायरिया, दस्त वगैरह लगते हैं तो O2 टैबलेट सजेस्ट की जाती है, इससे बहुत जल्दी रिलीफ लगता है, दिन में दो बार ये मेडिसिन दी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, O2 के नाम से मार्केट में मिलेगी, कहीं भी मिल जाएगी O2 के नाम से, ठीक है। ऑफ्लोक्सेसिन एंड ओनिडाजोल। नेक्स्ट जो हमारी आती है इसमें ट्रीटमेंट, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है डायरिया में, ठीक है। यदि इकोलाई बैक्टीरिया है और डायरिया यदि हुआ है तो मेट्रोनिडाजोल जो डिसीज, मेट्रोनिडाजोल जो कंपोजिशन है इस टैबलेट के अंदर पाया जाता है, मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में मिलती है। मेट्रो ओनेडाजोल इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट है उसका नाम मेट्रो ओनेडाजोल होता है, दिन में दो बार दी जाती है, बीडी पेशेंट को सजेस्ट की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज़ आती है गोनेरिया। गोनेरिया जो डिसीज़ है ना गाइस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो बैक्टीरिया से होती है नाइजेरिया गोनेरिया, सॉरी इकोलाई नहीं, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया गाइस, प्लीज़ इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। ये नाइजेरिया गोनेरिया एक डिसीज, नाइजेरिया जो गोनेरिया जो होता है बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, गोनेरियासिस डिसीज नाम से जानी जाती है। नाइजेरिया गोनेरिया जो बैक्टीरिया होता है वो ये डिसीज कोस करता है। इसमें क्या क्या आपको सिम्टम दिखा, पेनफुल यूरिनेशन, बाथरूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होना और जलन होना, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज यानी कि उसको मेल में हो फीमेल में हो उसमें आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वाइट कलर का इस तरह से आपको निकलने लगता है वजाइना से और पेनिस के थ्रू, ठीक है। एब्डोमिनल पेन यानी कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना और आपको इस तरह से हाथों में पैरों में इस तरह से स्वेलिंग इस तरह से दिखाई देगा, ये इचिंग इन सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे आपको खुजली या जलन आपको दिखाई दे सकती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं गाइस जो कि गोनेरिया होता है, जो कि ये भी सेक्सुअल STD डिसीज़ के अंदर ही आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। इसका जो ट्रीटमेंट होता है ऑफ्लोक्सेसिन, ऑफ्लोक्सेसिन अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी,
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ये आपकी कौन सी बीमारी के लिए, गोनेरिया के लिए। ऑफ्लॉक्सेसिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इफेक्टिव मेडिसिन है, ऑफ्लॉक्सेसिन दिन में दो बार दी जाती है, ठीक है। ऑफ्लॉक्सेसिन दिन में दो बार दी जाती है, ऑफ्लॉक्सेसिन आई वी फॉर्म में भी आता है, ठीक है। ऑफ्लॉक्सेसिन जेनफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में मिलती है, 200 mg की टैबलेट होती है, ठीक है। इस तरह की टैबलेट आपको दिखाई देती है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाई जाती है, 200 mg की टैबलेट होती है, जेनफ्लॉक्स जो कंपनी है वो उसके नाम से आपको मार्केट में मिलती है। ऑफ्लॉक्सेसिन इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है, दिन में मरीज को दो बार देना होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे बढ़ता हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन। देखो डॉक्सीसाइक्लिन लंग्स इन्फेक्शन में भी देते हैं, इसको बहुत सारा यूटीआई में भी देते हैं, और भी कोई इन्फेक्शन जैसे कि गोनेरिया हुआ उसमें भी देते हैं, दिन में दो बार देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट होती है, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन होती है। डॉक्सीमाइसिन के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, डॉक्सीसाइक्लिन के अंदर कंटेंट पाया जाता है और लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। दिन में दो बार इसको देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है इसमें सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन, ठीक है। सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन भी बहुत इफेक्टिव होता है गोनेरिया डिसीज के लिए। नॉर्मल जब इन्फेक्शन हुआ है दिन में दो बार देना है, सीवियर इन्फेक्शन दिन में तीन बार देना है, और 1.5 ग्राम है तो बीड़ी ही देना है। ये जो डोज है ये पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन का। ये मोनोसेफ ही होता है गाइस, ठीक है। वैसे मार्केट में कुछ दूसरे नाम से है बट मोनोसेफ इंजेक्शन है ये। नेक्स्ट जो हमारी बीमारी आती है वो होती है सिफिलिस। जो सिफिलिस होती है गाइज ये भी एसटीडी डिसीज के अंदर यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर ही आती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम, एक बैक्टीरिया का नाम होता है उसका नाम होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम। ट्रेपोनेमा पेलिडम की वजह से ये बीमारी होती है। पेनफुल यूरिनेशन, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग, आंतों में सूजन आ जाती है, बाथरूम में बहुत ज़्यादा दर्द, अल्सर यानी कि पेट में छाले हो जाना, ईचिंग इन सेक्स ऑर्गन, जो आपका सेक्स ऑर्गन है उसमें ईचिंग होना, माउथ के अंदर छाले हो जाना, हाथों पैरों में इस तरह से आपको दिखाई देना पैरों में और हाथों में, ठीक है। सॉरी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसका जो ट्रीटमेंट होता है ऑफ्लॉक्सेसिन टैबलेट भी इसमें इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ऑफ्लॉक्सेसिन टैबलेट जेनफ्लॉक्स के नाम से 200 mg की टैबलेट अभी बताई थी, पहले भी यूज़ करी थी। इसमें सिफिलिस में भी इसका यूज़ होता है, दिन में बीडी, दिन में आपको दो बार मरीज को देना होती है। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन इसमें देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी सिफिलिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, दिन में दो बार टैबलेट दी जाती है डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन भी इसमें दिया जाता है, सिफिलिस की बीमारी के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। नॉर्मल इन्फेक्शन में दो बार देना है दिन में, ज़्यादा इन्फेक्शन में तीन बार भी दिया जाता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये वेट सेट होता है। नेक्स्ट जो बीमारी आती है गाइस टिटेनस। जो टिटेनस होता है ये जो होता है आपको पता है जो लोहे पे जंग लगी उससे तो लग गया, कट गया, पिट गया, तो टिटेनाई हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो कि टिटेनस की बीमारी को कॉज करता है, ठीक है। इसमें आपको लक्षण क्या दिखेंगे, लॉक जो ऐसे ना मुंह बंद हो गया, मुंह नहीं खुल पाता, आप चाहे कितनी भी कोशिश करोगे आपका माउथ नहीं खुल पाएगा, इस तरह से हो जाता है। डायग्राम आप देख सकते हो उस मरीज का, लोग जो इसका मुंह बंद हो गया, पैरों में इस तरह से घाव हो जाता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, बॉडी अकड़ जाती है, इस तरह के आपको सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। टिटिनस क्लोस्ट्रीडियम टिटिनस, लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग जो यानी कि मुंह का बंद हो जाना, मुंह खुल नहीं पाना, ठीक है। स्किन छोट ले लो, शरीर की मांसपेशियों को मोड़ने में दर्द होना, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मांसपेशियाँ मुड़ती है तब मांसपेशियों को मुड़ने में बहुत ज़्यादा दर्द होना। मांसपेशियाँ कैसे, सर घुमाना, हाथ पैर चलाना, इनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसका जो ट्रीटमेंट की बात करूँगा मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल होता है ये इफेक्टिव मेडिसिन होती है, मेट्रोनिडाजोल एवरी 6 आवर, जैसे जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग फिक्स होता है डोज, पर हर 6 घंटे में आपको मेट्रोनिडाजोल इस तरह से बना बनाया कंपोजिशन आपको एनएस के अंदर मिल जाता है। इस कंपोजिशन को पेशेंट के अंदर देना होता है, मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन है ये, ठीक है। एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में मरीज को दिया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट जो डिसीज़ आती है कोलेरा। कोलेरा को आप हेजा कहते हो। विब्रियो कोलेरा एक जो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरा, जो कि ये बीमारी कोस करता है। इसमें आपको हेजा में डायरिया, सॉरी देखो यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं जो टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ वो टाइप कर ले तो कभी कभी गलती हो जाती है। डायरिया ये गलत लिखा हुआ हिंदी में, ठीक है, इसको काट लीजिए आप, ठीक है। तो डायरिया आपको, दस्त वगैरह लग सकते हैं, नोजिया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना और
डिहाइड्रेशन, ये भी यहाँ पे मैंने दस्त कर दिया, इसको भी काट लीजिए आप, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है गाइज, आपको डिहाइड्रेटेड हो गई बॉडी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन, इनकी वजह से आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कोलेरा यानी कि हेजा की बीमारी, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के नाम से ये मार्केट में। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल भी इसमें दिया जाता है एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में इसके अंदर सजेस्ट करते हैं। सल्फोमेथोक्सिजोल भी टेबलेट इसमें सजेस्ट की जाती है, बीडी दिन में 2 बार देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ वायरस के ऊपर, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये डिटेल से डिस्कस करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को विजिट करो और बगल में आपको दिख रहा होगा, इनमें से जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।